पेट की बीमारी आपको भारत के हर एक घर में देखने को मिलेगी। बहुत काम की बात बताने वाले हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें ये फूड पाइप है जिसे इसोफेगस भी कहते हैं, और ये डायफ्राम है, और नीचे हमारा ये पेट है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना दांतों से चबाने के बाद हमारे इस फूड पाइप यानी इसोफेगस के थ्रू हमारे पेट में आता है। इसोफेगस और पेट के बीच में एक वाल्व होता है जिसे स्फिंक्टर कहते हैं। खाना जब पेट में आ जाता है तो ये वाल्व टाइटली बंद हो जाता है जिससे हमारे पेट में मौजूद HCl एसिड ऊपर ना जा सके। लेकिन जब पेट में एसिड पड़ा रहता है, क्योंकि जो खाना लेट डाइजेस्ट होता है जैसे चिकन, प्रोटीन और बिना लाइव एंजाइम वाले फूड जिसमें लाइव एंजाइम नहीं होता है, तो हमारा ब्रेन पेट में एसिड छोड़ता रहता है जब तक वह पच ना जाए। तो पेट में एसिड ज़्यादा हो जाने के कारण यह हमारी इसोफेगस की तरफ रिफ्लक्स होता है जिसे एसिड रिफ्लक्स कहा जाता है। ऐसा बार बार होने से इसोफेगस में जलन होने लगती है और हार्ट बर्न भी होने लगता है। बार बार एसिड रिफ्लक्स होने से गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज कहा जाता है। इसको ठीक करने के लिए अपनी डाइट में लाइव एंजाइम को बढ़ा दीजिए जैसे सीजनल फ्रूट और सैलेड। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।